मैं अवधेश आपके लिए 50 प्रश्नों की सूची लाया हूँ जो कक्षा 8 अतीत से वर्तमान के अध्याय 12 से संबंधित है। राष्ट्रीय आंदोलन 1885 ईस्वी से लेकर के 1947 के अंतर्गत आने वाले सभी प्रश्नों की सूची है, साथ ही इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी हैं जो संभवतः कहीं न कहीं लाभकारी है। इतना ही। यदि हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगता है तो 8वीं कक्षा के हर विद्यार्थी के पास यह शेयर करने का प्रयास करें और या इससे ऊपर के भी जो भी विद्यार्थी हैं उन्हें कहीं ना कहीं इसका फायदा मिलेगा, तो हर किसी को शेयर करें ताकि लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। साथ ही हमारे चैनल यदि आपको पसंद आते हैं तो इन्हें सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें, साथ ही लाइक कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। धन्यवाद। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि इस प्रकार है। पहला प्रश्न है हमारा 1851 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी। पहला प्रश्न है 1851 ईस्वी में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी, दिल्ली में, कोलकाता में, मद्रास में या मुंबई में या बम्बई में। प्राचीन नाम बम्बई है और आधुनिक नाम जो है सो वो मुंबई है, तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल में हुई थी, आपका आंसर हो जाएगा ख। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा 1852 ईस्वी में कौन सी संस्था का स्थापना हुआ था। 1852 ईस्वी में कौन सी संस्था की स्थापना हुई थी, बम्बई एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन या क या ख दोनों। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा 1852 ईस्वी में जो है बम्बई एसोसिएशन और मद्रास नेटिव एसोसिएशन दोनों की ही स्थापना हुई थी, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा घ। आपका आंसर हो जाएगा घ। इस तरह से अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन बेमेल है। निम्नलिखित में से कौन बेमेल है, ध्यान से देखिए। 1867 पुणे सार्वजनिक सभा हुई थी, 1876 इंडिया एसोसिएशन हुआ, 1884 मद्रास महाजन सभा हुई, 1885 ईस्वी में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन हुई। तो इसमें आपको आंसर यहां पर चुन कर देना है, केवल एक आंसर सही है या केवल दो आंसर सही है या केवल चार आंसर सही है या इनमें से कोई भी बेमेल नहीं है, यानी सारे के सारे मेल में हैं। तो क्या होगा आंसर, तो आपका आंसर हो जाएगा घ, यानी इसमें सारे के सारे मेल हैं, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो बेमेल है। तो इस प्रकार अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है 1851 ईस्वी में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी और दूसरा है इंडियन एसोसिएशन। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, उमेश चंद्र बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस, बंकिम चंद्र चटर्जी या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो आपका आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है इंडियन सिविल सर्विसेज में चुने गए पहले भारतीय कौन थे जिन्हें बाद में तुच्छ कारणों की वजह से बर्खास्त कर दिया गया। तो पहला ऑप्शन है गजलू लक्ष्मी नरसु चट्टी, दूसरा है ऑप्शन है उमेश चंद्र बनर्जी, तीसरा ऑप्शन है उमेश चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस और चौथा ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। फिर से सुनिए, इंडियन सिविल सर्विसेज में चुने गए पहले भारतीय कौन थे जिन्हें बाद में तुच्छ कारणों की वजह से बर्खास्त कर दिया गया।
गजलू लक्ष्मी नरसू, चट्टी उमेश चंद्र बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस या सुरेंद्र नाथ बनर्जी? तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, नहीं सुभाष चंद्र बोस, नहीं गजलू, नहीं तो उमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों के साथ गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बंबई में की गई थी। कब की गई थी? ओ सॉरी, कब की गई थी? 1884, 28 दिसंबर 1884, 28 दिसंबर 1876, 28 दिसंबर 1885 या 1885 ईस्वी में? तो आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 28 दिसंबर 1885, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा ग। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ग। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना में किन तत्वों ने महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई थी? कांग्रेस की स्थापना में किन तत्वों ने महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा, आंसर है शुरुआती राजनीतिक संगठनों ने, एक राष्ट्रीय संस्था के संगठन की जरूरत ने, अंग्रेजी के शोषणकारी नीति ने या अंग्रेजों के स्वच्छ प्रशासन ने? फिर से ध्यान देंगे, काफी अच्छा प्रश्न है। कांग्रेस की स्थापना में किन तत्वों ने महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई थी? शुरुआती राजनीतिक संगठनों ने, एक राष्ट्रीय संस्था के गठन की जरूरत ने, अंग्रेजों की शोषणकारी नीति ने या अंग्रेजों का स्वच्छ प्रशासन ने? तो आप कंफर्म हो रहे होंगे कि स्वच्छ प्रशासन यदि अंग्रेजों का होता तो आंदोलन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा घ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है, 1878 ईस्वी में वायस राय लिटन के द्वारा, 1878 ईस्वी में वायस राय लिटन के द्वारा कौन सा एक्ट लाकर भारतीय भाषाओं में छपने वाले अखबारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या शारदा एक्ट? तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, यानी आंसर हो जाएगा ग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा, नौवां प्रश्न है, आईसीएस जिसको पास करके लोग डीएम और विदेश मंत्री और भारत के सबसे बड़े अधिकारी बनते हैं, तो वो है आईसीएस। तो आईसीएस की परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्र अवधि 21 वर्ष से घटाकर कितना वर्ष कर दिया गया था? 21 वर्ष से घटाकर कितना वर्ष कर दिया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दिया गया था। 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दसवां प्रश्न है, 1861 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा जाति भेद पर आधारित न्यायिक असमानता को दूर करने का प्रयास किस एक्ट के द्वारा किया गया था? लन लोकपाल बिल, इल्बर्ट बिल, जनपाल बिल या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा इल्बर्ट बिल। आपका आंसर हो जाएगा इल्बर्ट बिल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा, कांग्रेस किस अधिवेशन में बिहार का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में बिहार का कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं था? प्रथम 1885 ईस्वी का, दूसरा 1886 ईस्वी का, तीसरा तीसरा 87 और चौथा 1888 ईस्वी का? तो किसमें नहीं सम्मिलित हुए थे?
तो इसमें आंसर हो जाएगा प्रथम अधिवेशन। इसमें कौन सा अधिवेशन हो जाएगा? प्रथम अधिवेशन हो जाएगा, ठीक है। प्रथम अधिवेशन जो है 1885 ईस्वी में हुई थी, इसी में कांग्रेस के अधिवेशन में सम्मिलित बिहार नहीं हो पाया था, और इसके बाद फिर हुआ था। आगे अगला प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। तो 12वां प्रश्न है, कलकत्ता के दूसरे अधिवेशन 1886 ईस्वी में कुल 16,000 रुपये खर्च हुए थे, जिनमें 2500 रुपये का योगदान अकेले दरभंगा महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह के द्वारा दिया गया था। इसमें डेलीगेट के रूप में यानी विशेष अतिथि के रूप, तो आपका हो जाएगा शालिग्राम सिंह एवं विशेश्वर सिंह, पूर्णेंदु नारायण सिन्हा एवं गजाधर प्रसाद वकील, या उपरोक्त दोनों। तो आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, यानी उपरोक्त दोनों शामिल हुए थे विशेष डेलीगेट के रूप में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बेमेल है, अर्थात मतलब बंगाल से संबंधित बिपिन चंद्रपाल है क्या, पंजाब से लाला लाजपत राय संबंधित है क्या, महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक संबंधित है क्या, या बिहार से भीमराव अंबेडकर संबंधित हैं क्या। तो आपको ये देखना होगा कि कौन कौन से महानायक जो हैं वो किस राज्य से संबंधित थे। तो इसमें आपका सोचिए क्या होगा आंसर। तो मैं बता दूं, इसका आंसर होगा घ, यानी बिहार से भीमराव अंबेडकर संबंधित नहीं थे, ये जो है सो मध्य प्रदेश से संबंधित थे, और पश्चिम बंगाल से इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था उन संविधान सभा के निर्वाचन हेतु। और अगले इस प्रकार से अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न, 1898 ईस्वी में किस गवर्नर जनरल ने खुली घोषणा की थी कि भारतीय लोग महत्वपूर्ण पदों को संभालने के योग्य नहीं हैं, तथा कांग्रेस को नष्ट करने की भी घोषणा की थी। ऐसा गवर्नर कौन था? लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड रिपन था, या लॉर्ड लिटन था। तो ध्यान से इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसका जवाब होगा लॉर्ड कर्जन। इसका जवाब क्या होगा? लॉर्ड कर्जन, यानी 1898 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने कहा था, खुली घोषणा की थी कि भारतीय लोग जो है सो महत्वपूर्ण पदों को संभालने के योग्य नहीं है, और साथ ही यह भी कहा था कि कांग्रेस को मैं नष्ट कर दूंगा। तो इस तरह से ये काफी महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और साथ ही यह भी जान ले कि लॉर्ड कर्जन के समय में ही बंगाल का विभाजन हुआ था, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। अगला प्रश्न है 15, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लॉर्ड कर्जन के किस कार्य का विरोध करने का निर्णय लेकर किस दिन समूचे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया, यानी बंगाल में शोक दिवस किस दिन मनाया गया और किस कार्य के लिए, विरोध करने के लिए। तो 19 जुलाई 1905 ईस्वी को मनाया गया विरोध, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को शोक दिवस मनाया गया, 19 जुलाई 1906 ईस्वी को मनाया गया, या 16 अक्टूबर 1906 ईस्वी को मनाया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी। मिलाते चलें कितना आप सही कर पाते हैं, कितनी आपकी अच्छी स्टडी हुई है, इसके हिसाब से आपको पता भी चलते चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन किस समय लागू हुआ था, बंगाल विभाजन किस समय लागू हुआ था जिसके कारण शोक दिवस मनाया गया, सुरेंद्रनाथ बनर्जी विपिन चंद्रपाल और अब्दुल रसूल के द्वारा सारे बंगाल में, ठीक है। तो यानी जो बंगाल में शोक मनाया गया था उसके महत्वपूर्ण नेता थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, विपिन चंद्रपाल, अब्दुल रसूद, है ना, ये सारे लोग मिलकर के मनाए थे। तो वो कौन सा दिन था? अभी अभी जस्ट इस प्रश्न का आंसर हो चुका है, आप जानते होंगे, ये हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को मनाया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं,
और अगला प्रश्न है, महाकवि रविंद्रनाथ ठाकुर के सुझाव पर जन एकता और मैत्री दिवस कब मनाया गया? इस दौरान सारे बंगाल में हिंदू, मुसलमान, ईसाइयों ने एक दूसरे के कलाइयों पर राखी बांधे, तो वह कौन सा दिन था? 1905 ईस्वी, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी, 2 दिसंबर 1905 ईस्वी या 1906 ईस्वी? तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा ग, 2 दिसंबर 1905 ईस्वी। 2 दिसंबर 1905 ईस्वी हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1905 ईस्वी को सम्मेलन जो वाराणसी में हुआ था, इसमें भी बंगाल विभाजन का विरोध किया गया था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? आपको बताना, बंगाल विभाजन का विरोध किया गया था 1905 ईस्वी में, राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भी किया गया था। आपको बताना है कि इसकी अध्यक्षता किसने किया था? रास बिहारी घोष ने किया था, महात्मा गांधी ने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था या गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है, सांप्रदायिकता का बीज रोपण हेतु सांप्रदायिकता के बीजा रोपण हेतु ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कब किया गया था? सांप्रदायिकता के बीजा रोपण हेतु ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कब किया गया था? 1909 में, 1905 में, 1915 में या 1906 ईस्वी में? तो आपका आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग का गठन किया गया था 1906 ईस्वी, आपका सही जवाब है। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न ये कहता है कि अगला प्रश्न इस प्रकार है, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन जो 1906 ईस्वी में हुई थी, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? ठीक इसी समय मुस्लिम लीग की स्थापना भी हुई थी। ठीक इसी समय मुस्लिम लीग की भी स्थापना हुई थी। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन जो 1906 ईस्वी में हुई थी, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? रास बिहारी घोष ने, अंबिका चरण मजूमदार ने, दादा भाई नौरोजी ने या गोपाल कृष्ण गोखले ने? तो क्या आंसर होगा आपका? तो इसमें आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता किया था 1906 ईस्वी का। याद रखेंगे 1905 ईस्वी का गोपाल कृष्ण गोखले ने और 1906 ईस्वी का दादा भाई नौरोजी ने किया था। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है, पंजाब में हिंदू महासभा नामक राजनैतिक दल का गठन कब किया गया था? पंजाब में हिंदू महासभा नामक राजनैतिक दल का गठन कब किया गया था? 1909, 1905, 1915 या 1906? तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा ग, 1906 ईस्वी। यानी हिंदू महासभा नामक राजनीतिक दल का गठन 1906 ईस्वी में किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बम की राजनीति का प्रारंभ करने वाले प्रथम क्रांतिकारी कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बम की राजनीति का प्रारंभ करने वाले प्रथम भारतीय क्रांतिकारी कौन थे? इनके पहले क्रांतिकारियों द्वारा पिस्तौल का ही इस्तेमाल किया गया था। तो ऑप्शन चुनिए, ऑप्शन क्या है, बिरसा मुंडा, दूसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा अरविंद घोष और चौथा है खुदीराम बोस। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा घ, खुदीराम बोस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर के जिला न्यायाधीश डी एच किंग्सफोर्ड की हत्या 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को करने के उद्देश्य से ब्रिंगले कैनेडी की बग्घी पर किसने बम फेंका था, जिसमें कैनेडी की पत्नी और बेटी मारी गई थी? मुजफ्फरपुर के जिला न्यायाधीश
डीएच किंग्सफोर्ड की हत्या 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को करने के उद्देश्य से प्रिंगले कैनेडी की बग्घी पर किसने बम फेंका था, जिसमें कैनेडी की पत्नी और बेटी मारी गई थी। चापेकर बंधुओं द्वारा फेंका गया था, आशा फुल्ला खां के द्वारा फेंका गया था, या खुदीराम बोस के द्वारा फेंका गया था, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर हो जाएगा ग, खुदीराम बोस के द्वारा फेंका गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है, खुदीराम बोस भारत के पहले क्रांतिकारी थे जिन्हें आजादी के संघर्ष के दौरान फांसी हुई थी, अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी, तो वे कौन थे? तो उन्हें कब फांसी दी गई थी? 11 अगस्त 1908 ईस्वी को, 11 सितंबर 1908 ईस्वी को, 11 अक्टूबर 1908 ईस्वी को, या 11 दिसंबर 1908 ईस्वी को? बड़ा ही कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है, ध्यान से इसका जवाब देंगे, सोच समझ के जवाब देंगे। चलिए मैं इसका आंसर बता दूं। इसका आंसर होगा क, 11 अगस्त 1908 ईस्वी को। 11 अगस्त 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस पहले क्रांतिकारी हुए जिनको अंग्रेजों के द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है, 1897 ईस्वी पूना में प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या किसने किया था? 1897 ईस्वी में पूना में प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या किसने किया था? चापेकर बंधुओं ने किया था, खुदीराम बोस ने किया था, चंद्रशेखर ने किया था, या इनमें से कोई नहीं, या उपरोक्त कोई नहीं? तो आपका आंसर हो जाएगा क, चापेकर बंधुओं ने प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या 1897 ईस्वी में किया था। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 26वां प्रश्न है, तीनकठिया पद्धति के अनुसार किसानों को कितनी भूमि पर खेती करना अनिवार्य था? तीनकठिया पद्धति के अनुसार किसानों को कितनी भूमि पर, सॉरी, नील की खेती करना अनिवार्य था? यहाँ नील छूट चुका है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, नील, कितनी भूमि पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था? कितनी भूमि पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था, अनिवार्य था, जिसे क्या कहा जाता था? 3 कट्ठा कहा जाता था, 3 कट्ठा में 1 कट्ठा कहा जाता था, या 1 बीघा में 3 कट्ठा कहा जाता था, या 1/3 कट्ठा? तीन कठिया पद्धति क्या है? तो 1 बीघा में 3 कट्ठा, ये आपका आंसर होगा। एक बीघा में 3 कट्ठा जैसो नील की खेती करना अति अनिवार्य अंग्रेजों के द्वारा बना दिया गया था, इसे ही 3 कठिया व्यवस्था कहा जाता है। तो अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1914 में, 1915 में, 1917 में, या 1918 में? तो आपका आंसर होगा 1915, अर्थात ख, 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने नस्ल भेदी नीति के खिलाफ अहिंसात्मक आंदोलन कहाँ चलाकर काफी लोकप्रिय हुए? चंपारण में आंदोलन चलाया, अहमदाबाद में चलाया, खेड़ा गुजरात में चला करके जो है सो लोकप्रिय हुए, या दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन चला करके लोकप्रिय हुए, अहिंसात्मक आंदोलन चलाकर? तो आपका आंसर क्या होगा, सोचिए, मैं बता दूं, इसका आंसर होगा घ। तो याद रखेंगे, नस्ल भेदी नीति जो है सो दक्षिण अफ्रीका में थी, और दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने हिंसात्मक आंदोलन चला करके काफी लोकप्रिय हुए थे, और उसके बाद जब भारत आए थे तो इनको लोग काफी सम्मान की दृष्टि से देखा करते थे, जो कि एक जंग जीते हुए उम्मीदवार के रूप में थे, एक स्थान पर सफलता, विदेशों में सफलता प्राप्त कर चुके थे, इसके वजह से इन्हें काफी लोकप्रियता भी हासिल थी। 29वां प्रश्न है, गांधी जी भारत भ्रमण के बाद अपना प्रथम आश्रम 1917 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया? गांधी जी भारत भ्रमण के बाद अपना
अपना प्रथम आश्रम 1917 ईस्वी में कहाँ पर स्थापित किया? क. साबरमती आश्रम अहमदाबाद के कोचरब में, दूसरा सेवाग्राम आश्रम महाराष्ट्र में नागपुर से 80 किलोमीटर दूर जमुना लाल बजाज के जमीन जो दिया गया था उस पर स्थापित किया था, उपरोक्त दोनों पर किया था या उपरोक्त में कोई नहीं? आपका आंसर क्या होगा? चलिए मैं बता देता हूँ, आप इस प्रश्न का आंसर होगा साबरमती। साबरमती आश्रम जो है, ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पर दोनों प्रश्न दोनों ऑप्शन अच्छे अच्छे हैं। साबरमती आश्रम अहमदाबाद इनका प्रथम आश्रम हो गया महात्मा गांधी जी का, और ये सेवाग्राम आश्रम यह भी इन्हीं का आश्रम है, लेकिन यह जो है सो 1930 ईस्वी में जब नमक सत्याग्रह किए थे तो उस समय महाराष्ट्र में इन्होंने यह आश्रम बनाया था। तो यह दोनों आश्रम काफी महत्वपूर्ण है, दोनों आश्रम को याद रखेंगे। और इस प्रकार से अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है, चंपारण के किसानों को जमींदारों के चंगुल से मुक्त करने के लिए गांधी जी को किसने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण आने का आग्रह किया था? कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण आने का निमंत्रण किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने, ब्रज किशोर प्रसाद ने, या महादेव देसाई ने, या जेबी कृपलानी ने? हालांकि ये चारों महत्वपूर्ण नेता बिहार के महत्वपूर्ण नेता में गिने जाते हैं, जेबी कृपलानी भी, महादेव देसाई भी, ब्रज किशोर प्रसाद भी, राजकुमार शुक्ल भी। तो ये चारों में ऐसे कौन नेता थे जिन्होंने लखनऊ अधिवेशन के दौरान चंपारण आने का आग्रह किया था महात्मा गांधी जी से? तो आपका आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने ही निवेदन किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है, गांधी जी चंपारण की समस्याओं को जानने के लिए बिहार के किन स्थानीय नेताओं के साथ घूमे? गांधी जी चंपारण की समस्याओं को जानने समझने के लिए बिहार के किन स्थानीय नेताओं के साथ घूमे? राजेंद्र प्रसाद के साथ घूमे, ब्रज किशोर प्रसाद के साथ घूमे, जेबी कृपलानी के साथ घूमे, या उपरोक्त सभी के साथ? तो आपका आंसर सही होगा, अभी अभी जस्ट आपने जाना है कि राजेंद्र प्रसाद बिहार के अच्छे नेता थे, ब्रज किशोर प्रसाद भी अच्छे नेता थे, और जेबी कृपलानी भी बिहार के शीर्ष नेता थे। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा घ, यानी इन तीनों के साथ महात्मा गांधी जी बिहार की दुर्दशा को, बिहार की स्थिति को भांपने के लिए इनके साथ बिहार का भ्रमण किया था, खास करके चंपारण का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है, गांधी जी ने भारत में किस आंदोलन के दौरान पहली बार भूख हड़ताल किया था? गांधी जी ने भारत में किस आंदोलन के दौरान पहली बार भूख हड़ताल किया था? चंपारण सत्याग्रह के दौरान, मिल मजदूर आंदोलन के सपोर्ट में, खेड़ा गुजरात में जो आंदोलन हुआ था उसके सपोर्ट में, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा मिल मजदूर जो अहमदाबाद में आंदोलन किया गया था, जिसमें कि मिल के मजदूरों की वेतन जो है सो वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया था, जो अंग्रेजी सरकार मान नहीं रही थी, तो उसी के विरोध में जो है सो मिल मजदूर आंदोलन किया गया था, जिसमें महात्मा गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है, गांधी जी ने रॉलर एक्ट के विरोध में कब राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाने का निर्णय लिया था? गांधी जी ने रॉलर एक्ट, जो कि एक काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, के विरोध में राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाने का निर्णय लिया था कब? मार्च 1919 ईस्वी को, 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को, या 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर मैं बता देता हूं, इसका आंसर है 6 अप्रैल 1919 ईस्वी। 6 अप्रैल 1919 ईस्वी। आप 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को भी ध्यान में रखेंगे, चूंकि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी, जिसका हम जानते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में हम जानते हैं,
जालिया आपसे ये भी प्रश्न कभी कभी पूछा जा सकता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है, मजरूल हक ने असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम के प्रचार एवं हिंदू मुस्लिम एकता कायम करने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता कायम करने के उद्देश्य से किस नाम का अखबार सदाकत आश्रम से निकाला था? कौन सा अखबार सदाकत आश्रम से निकाला था? काफी गंभीर प्रश्न है, बहुत कम लोग ही इसका जवाब दे पाएंगे। चलिए, इसका ऑप्शन है मदरलैंड, दूसरा है फादरलैंड, तीसरा है उपरोक्त दोनों, या घ उपरोक्त कोई नहीं। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा दी मदरलैंड। दी मदरलैंड नामक अखबार निकाला गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न देखते हैं, 35वां प्रश्न है, जालियांवाला बाग की घटना अमृतसर में कब हुई थी? अभी अभी जस्ट याद किए, 6 अप्रैल को जो है सो मनाया गया, गांधी जी के द्वारा राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया, और 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग की घटना अपनाई गई, जालियांवाला बाग की घटना हुई थी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ग, यानी 13 अप्रैल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है, केसरे ए हिंद, 36वां प्रश्न है, केसरे हिंद की उपाधि किसने त्याग किया था 1920 ईस्वी के आंदोलन के दौरान? तो पहला ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, और चौथा ऑप्शन है सी आर दास। तो कौन होंगे ये, तो कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, यानी ख, महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि जो अंग्रेजों ने दिया था 1915 ईस्वी में हिंदुस्तान आने के बाद, इसे महात्मा गांधी जी ने लौटा दिया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है, नाइट की उपाधि का किसने अगस्त 1920 ईस्वी में त्याग किया था? नाइट नामक एक पद दिया गया था भारतीय को, ये कब त्याग कर दिया गया था 1920 ईस्वी के दौरान, किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, या राजगोपालाचारी के द्वारा? किसके द्वारा त्याग किया गया था नाइट की उपाधि? तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा नाइट की उपाधि त्याग किया गया था, और महात्मा गांधी के द्वारा जो है सो अभी अभी जस्ट बताया, महात्मा गांधी के द्वारा, हाँ जी हाँ, केसरे हिंद की उपाधि, बिल्कुल सही। चलिए आगे आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन कब समाप्त कर दिया गया? महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन कब समाप्त कर दिया गया? अगस्त 1920 ईस्वी को, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, 6 फरवरी 1922 ईस्वी को, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो चलिए इसमें कुछ और विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले मैं इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर होगा महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त किया था 6 फरवरी 1922 ईस्वी को। इसमें तीनों ऑप्शन बाद बाकी ध्यान रखने योग्य है। अब कहिएगा कैसे ध्यान रखेंगे, तो अगस्त 1920 ईस्वी को यह जो आंदोलन है असहयोग आंदोलन, इसका प्रारंभ हुआ था। अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा की घटना हुई थी, जिसके दौरान 21 पुलिस कर्मियों को जिंदा थाने में जला दिया गया था। इस हिंसात्मक विरोध के वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा आपके लिए, अंग्रेजी प्रशासन ने
भारतीय लोगों को झंडा लेकर चलने से रोक दिया था? अंग्रेजी प्रशासन ने भारतीय लोगों को झंडा लेकर चलने से रोक दिया गया था के विरुद्ध कांग्रेस ने कब नागपुर से झंडा सत्याग्रह का निश्चय लिया था? 13 अप्रैल 1920 ईस्वी को झंडा सत्याग्रह हुआ, 13 अप्रैल 1923 ईस्वी को हुआ, 13 अप्रैल 1924 को हुआ, या 23 अप्रैल 1922 ईस्वी को हुआ? तो सोचिए इसका आंसर क्या होगा। जी, इसका आंसर होगा 13 अप्रैल 1923 ईस्वी को, 13 अप्रैल 1923 ईस्वी को झंडा सत्याग्रह किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है 40वां, असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद, असहयोग आंदोलन के समाप्ति के बाद 1922 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? असहयोग आंदोलन की समाप्ति के पश्चात 1922 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? गया में, कोलकाता में, बंबई में, या रांची में? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा क, गया में। काफी महत्वपूर्ण है गया वासियों के लिए खास करके। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा 40वां प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के समाप्ति के बाद 1922 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? गया में। अभी अभी आपने इस चीज को जान लिया है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न कहता है 1923 ईस्वी में, 1923 ईस्वी में स्वराज दल का गठन परिषद के चुनाव में भाग लेने हेतु किसने किया था जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रभाव के कारण असफल रहा? फिर से प्रश्न को ध्यान से सुनिए। 1923 ईस्वी में स्वराज दल का गठन किया गया था। यहाँ से एक प्रश्न यह भी बनेगा कि स्वराज दल का गठन कब किया गया था, तो 1923 ईस्वी में। तो यह जानिए कि स्वराज दल का गठन जो है वो परिषद के चुनाव में भाग लेने हेतु किया गया था, ठीक है, जिसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रभाव के कारण असफल होना पड़ा। तो इसके महत्वपूर्ण नेता कौन थे? चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, या क एवं ख दोनों? तो इसके महत्वपूर्ण नेता कौन कौन थे? तो इसके महत्वपूर्ण नेता थे क एवं ख दोनों, अर्थात चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस, समझ रहे हैं, जो आज भी है और रूलिंग पार्टी के रूप में आज काम कर रही है भारत में। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, वही हसुआ हसुआ हथौड़ा वाला पार्टी। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन कब हुआ था जो स्वयं को हिंदूवादी और उग्र राष्ट्रवादी संगठन मानती थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। 1923 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, या 1925 ईस्वी में? यह प्रश्न बीपीएससी में भी एक पूछा गया था 2016-17 के परीक्षा में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1925 ईस्वी, 1925 ईस्वी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी, 33, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी आर्मी का गठन किसने किया था? भगत सिंह ने, खुदीराम बोस ने, चंद्रशेखर आजाद ने, या सुखदेव सिंह ने किया था? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, ध्यान रखिएगा, इसके पहले हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी बना हुआ था, लेकिन बाद में यह बना है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन हुआ था, जिसको गठन किसने किया था? भगत सिंह ने किया था, खुदीराम बोस ने किया था, चंद्रशेखर आजाद ने किया था, या सुखदेव ने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा भगत सिंह ने किया था, यानी ऑप्शन क हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित कर रावी नदी के तट पर प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में
लाहौर में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित कर रावी नदी के तट पर प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, 28 जनवरी 1950 ईस्वी को। इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, यानी 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था और स्वतंत्रता प्रथम भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया था रावी नदी के किनारे। चलिए, इस प्रकार से 44वां प्रश्न खत्म होता है और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पैतालीसवां, बैकुंठ शुक्ल मुजफ्फरपुर, बैकुंठ शुक्ल जो है मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, तो ने 9 नवंबर 1932 ईस्वी को चंद्रमा सिंह के साथ मिलकर किसकी हत्या करने का प्रयास किया था, जिसकी कुछ दिन के बाद 17 नवंबर 1932 ईस्वी को मारा गया। 17 नवंबर 1932 ईस्वी को उसका मृत्यु हो गया। वह व्यक्ति कौन था? चंद्रमा सिंह था, फणेन्द्र नाथ घोष था, उपरोक्त दोनों थे या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहां आपका आंसर हो जाएगा फणेन्द्र नाथ घोष। फणेन्द्र नाथ घोष की हत्या किसने की थी? बैकुंठ शुक्ल और चंद्रमा सिंह ने मिलकर के किया था, जिसमें बैकुंठ शुक्ल का प्रमुख रूप से हाथ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि गांधी जी 79 साथियों के साथ साबरमती आश्रम से समुद्र तट पर जाकर नमक बनाकर नमक कानून को कब तोड़ा? गांधी जी 79 साथियों के साथ साबरमती आश्रम से समुद्र तट पर जाकर नमक बनाकर नमक कानून को कब तोड़ा? 12 मार्च 1930 ईस्वी को तोड़ा, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को तोड़ा, 9 नवंबर 1932 को तोड़ा या 17 नवंबर 1932 को तोड़ा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ख, यानी 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक कानून तोड़ा। अच्छा, इसमें 12 मार्च जो है 1930, यह भी याद करने वाला तिथि है। 12 मार्च को क्या हुआ? तो 12 मार्च को साबरमती आश्रम से नमक कानून तोड़ने के उद्देश्य से मार्च को प्रारंभ किया गया था, यानी साबरमती आश्रम से नमक कानून तोड़ने का प्रथम प्रयास किया गया था, यहाँ से मार्च किया गया था, यहाँ से चला गया था, यानी यहीं से पदयात्रा स्टार्ट हुई थी। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या सवाल पूछ रहा है? तो अगला प्रश्न पूछ रहा है कि प्रांतीय स्वायत्तता अधिनियम के द्वारा, प्रांतीय स्वायत्तता अधिनियम के द्वारा प्रांतों में कब गठन, प्रांतों का गठन लोकप्रिय सरकार कब किया गया? प्रांतों में लोकप्रिय सरकार का गठन कब किया गया? इसके तहत 11 प्रांतों में 7 प्रांतों में कांग्रेस चुनी गई, यानी कि प्रांतीय स्वायत्तता अधिनियम के द्वारा लोकप्रिय सरकार का गठन किया गया था हिंदुस्तान में, जिसके अंतर्गत 11 प्रांतों में 7 प्रांतों में कांग्रेस चुनी गई थी। थोड़ी सी मिसप्रिंट है, इसके लिए माफ करेंगे। का है 1935 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में या 1947 ईस्वी में? आप सोचिए आपका आंसर क्या होगा। 1935 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में या 1947 ईस्वी में? तो प्रांतीय लोकप्रिय सरकार का गठन हुआ था 1935 ईस्वी में, यानी आपका आंसर हो जाएगा क। और देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था और जिसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? और साथ ही एक और प्रश्न है, इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, तो आपको बताना है यह कब हुआ था। 11 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था,
20 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था या 30 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था? तो सोचिए आपका आंसर क्या होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ख, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। याद रखेंगे 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, और साथ ही इसी आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा भी दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं 49वां प्रश्न क्या कहता है। माउंटबेटन ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधानों के अनुसार क्या असत्य है? प्रश्न को ध्यान से समझें। माउंटबेटन योजना के अंतर्गत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधानों के अनुसार क्या असत्य है, मतलब क्या सही नहीं है? पहला, 14 अगस्त 1947 को भारत का निर्माण करना, 15 अगस्त 1947 को भारत का निर्माण करना, भारत को स्वतंत्रता प्रदान करना, घ, पश्चिमोत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैं बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा घ, यानी पश्चिमोत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग करना भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का उद्देश्य नहीं था। यह 1940 ईस्वी में मांग किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं अंतिम प्रश्न क्या कहता है और क्या जानकारी मिल रही है अगले अंतिम प्रश्न 50वां के द्वारा। तो 50वां प्रश्न है, कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष, कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, यानी कांग्रेस जब स्थापना हुई 1885 ईस्वी में, इसके बाद पहला मुस्लिम कौन था जो कांग्रेस का अध्यक्ष बना? आप समझ में आई बात? तो ध्यान रखेंगे, कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। यह इन्होंने किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? मुंबई अधिवेशन 1885 ईस्वी का किया था, मद्रास अधिवेशन 1887 का, 1887, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा गया है, इसे नजरअंदाज करेंगे, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर होगा 1887 होगा, और कोलकाता अधिवेशन 1886, और सॉरी तीसरा हुआ 1887, दूसरा हुआ था 1886, और इलाहाबाद हुआ था 1888 ईस्वी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर बता दें, मद्रास अधिवेशन जो कि 1887 ईस्वी में हुई थी, इसी दौरान बदरुद्दीन तैयब जी भारत के प्रथम मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। तो इसी प्रश्नों के साथ यह संकलन को अंतिम विराम देते हैं और अगले अध्याय को लेकर के पुनः प्रस्तुत होंगे। इसी के साथ धन्यवाद, और सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। साथ ही साथ अगर बेल की बटन को भी दबा दें तो कोई भी मैं वीडियो जब भी अपलोड करूंगा तो आपके पास सीधा सीधा पहुंचेगी और आप इससे लाभान्वित हो सकेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।